रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब झारखंड में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से अति संक्रमित लोगों का इलाज होगा। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज से राज्य में प्लाज्मा थेरेपी सेंटर की शुरुआत हो रही है। साथियों, कोरोना की इस जंग को हम सहभागिता से ही जीत सकते हैं। राज्य के कुछ प्लाज्मा डोनर सद्भावना का परिचय देते हुए संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। सभी को मेरा धन्यवाद एवं जोहार। कोरोना पर विजय पाने वाले अन्य लोगों से भी मेरी अपील है कि कृपया संक्रमित लोगों की मदद को आगे आएं और झारखंड निर्माण में अपना सहयोग दें। आपको बता दें, राजधानी के खेलगांव में भी आज से 500 बेड की सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। खेलगांव के अलावा विस्थापित कॉलोनी में 2100 बेड बनाए गए हैं। होटलों में 93 कमरे भी रखे गए हैं। वहीं हजारीबाग में 980, धनबाद में 260 और जमशेदपुर में 750 अतिरिक्त बेड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि संक्रमण दर में 5.66 के साथ हजारीबाग पहला और रांची 4.7 के साथ दूसरे नंबर पर है। 23 मरीजों को ऑक्सीजन पर और 22 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। दवाइयां, कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है। इसी दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के भी एक बात आई थी। लगातार पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही थी। उसी समय से हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया था और उस संज्ञान के अनुरूप राज्य के अंदर भी प्लाज्मा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया था। अगर जरूरत पड़े तो तत्काल उसका उपयोग किया जा सके। इसको लेकर आज विधिवत रूप से यहां पर प्लाज्मा एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज हम लोगों ने यहां पर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनरों से भी मुलाकात की। आज लगभग 4 नौजवान डोनर प्लाज्मा दे रहे हैं और मुझे लगता है ये काफी साहसिक और सामाजिक सद्भाव का एक उदाहरण है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज प्लाज्मा देने का निर्णय बनाया है और यहां आए हैं, मैं उन सभी डोनरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं।